कल ही नवीन जिंदाल को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। वो गैंगस्टर है, उनके ऊपर सीबीआई का चार्जशीट पड़ा है कोल स्कैम में, उसको जेल भेजने की तैयारी चल रही थी। क्या वो गैंगस्टर है? ये भाजपा वाले का दिमाग ठिकाने नहीं है। भांग पीकर बात करते हैं, आज होली है। सर एक सवाल ये इम्पोर्टेंट है सर, जिस तरह से कल लिस्ट आई है उसमें एक इंटरेस्टिंग नाम है कंगना रनौत का, मंडी से, हिमाचल प्रदेश से। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी काफी तनातनी देखने को मिली थी कंगना रनौत और महाविकास आघाड़ी जो सरकार है स्पेशली उद्धव ठाकरे जी के साथ, तो कहीं ना कहीं उसका अवार्ड दिया गया है। मुझे मालूम नहीं किसका, किस लिए उनके अवार्ड दिया है। लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र को मानते हैं और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर ये एक्ट्रेस कंगना रनौत बीजेपी की विचारधारा से मिलती जुलती है उनकी उनका विचार, तो उनके पार्टी के चुनाव लड़ सकती है। हम लोकशाही पर विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। सर लोग तय करेंगे ना, मंडी की जनता तय करेगी ना किसको चुनकर देना है किसको नहीं देना है। सर संदेश खाली के पीड़िता को भी टिकट दिया गया है। संदेश खाली जो वेस्ट बंगाल में है उसकी पीड़िता को भी टिकट दिया गया है। अच्छी बात है, मैंने कहा ना चुनाव है, लोकतंत्र है, आप किसको भी टिकट दे सकते हैं। सर बारामतीच्या लोकसभा मतदारसंघाच्या सभाव्य उमेदवार सुमित्र पवार यांचा शिंदेकडच्या कार्यकर्त्यांकडूनच विरोध केला जातोय, मुरलीधर मोहोळ यांचा प्रचार करायचा असा मेसेज आहे व्हॉट्सअप ग्रुपवर। याच्यावरती मी काय बोलणार, माझ्याकडे माहिती नाही आणि मी याच्यावरती बोलणार। सर जर बघितलं तर भाजप सर्वात मोठा पक्ष आपल्याला म्हणतात, पण आज असं परिस्थिती आहे की छोटे छोटे लहान लहान पक्ष माझ्याकडे भारतीय जनता पक्ष हा मोठा पक्ष नाही। भारतीय जनता पक्ष कधीच मोठा पक्ष नव्हता। एखादा दरोडेखोर चोऱ्या माऱ्या करून आपली संपत्ती वाढवतो आणि म्हणतो मी श्रीमंत आहे, तसं भारतीय जनता पक्ष दुसऱ्याच्या तिजोरीवर दरोडा टाकून आपली श्रीमंती वाढवायची, याला काय मी श्रीमंत किंवा धनिक म्हणत नाही। सगळ्या पक्षातून माणसं चोरायची फोडायची तोडायची, लहान लहान पक्ष विकत घ्यायची, उसमें कौन सी बड़ी बात। आपके पास सरकार है, सत्ता है, अगर हमारे पास सत्ता आएगी तो आपकी पार्टी भी नहीं रहेगी। सर दो दिन पहले शरद पवार से मिलकर आए थे माधव जानकर और कल बीजेपी में प्रवेश करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैक या स्टैटस नहीं। या ऐसे लोग हैं, उनको कोई विचारधारा नहीं है, कोई बेस नहीं है, या ऐसे लोग है जहां खाने को मिलेगा वहां चले जाते हैं। माधव जानकर जी मेरे हिसाब से वो महाविकास आघाड़ी में भी आना चाहते थे, उनकी बातचीत चल रही थी। अब वो अचानक जाकर गले मिलते हैं देवेंद्र फडणवीस को, तो कौन से विचार आपका, कौन से विचार है? फोटोस हैं, शामिल होते हैं शिवसेना में, वहां फडणवीस जी भी मौजूद रहते हैं, अजीत पवार भी मौजूद रहते हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं देखने की जरूरत नहीं, देखने लायक लोग नहीं है। सर मनसेने भाजपचा युतीची चर्चा सुरू असताना मनसेने आता यू टर्न घेतलाय, मला माहित नाही। सर 26 तारीख यानी कि कल आखिरी दिन है, प्रकाश आंबेडकर ने जिस तरह से जो डेडलाइन दी थी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर साबित नहीं होता है तो वो अपने हिसाब से फैसला लेंगे, क्या किस तरह से देखते हैं? और हमने सीट शेयरिंग का पेज कहाँ अटका हुआ है सर? कोई अटका नहीं है, शिवसेना की लिस्ट कल हम प्रसिद्ध करेंगे। हमारे जो उम्मीदवार है उनकी जो पहली लिस्ट है, पहली सूची है। सर कितनी सूची? कल हम लगभग कल 15 या 16 सीट हम कल जाहिर करेंगे। सर प्रकाश आंबेडकर ने कल कहा कि जिस तरह से हमारा प्रकाश आंबेडकर जी वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता है, हम ये चाहते हैं कि हमेशा हमारे साथ रहे। हमारी कोशिश कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, लेकिन हमने उनको 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है। अब उनके ऊपर है प्रस्ताव मानना है या नहीं मानना है। महाविकास आघाड़ी में लगभग 4 या 5 पार्टियां शामिल है, जो सबको हिस्सा मिलना चाहिए। वंचित बहुजन आघाड़ी को हमने 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है और मुझे लगता है प्रस्ताव अच्छा है। जो सीटें अंबेडकर जी ने मांगी थी वही हमने उनको दी। वरिष्ठ वर्ग बोलता है कि अगर प्रकाश आंबेडकर सोबत नहीं है तर मग इतकी कोणी दुर्दैवी गोष्ट असेल या उत्तर तरी आम्ही जिंकू। महाविकास आघाडीच्या मागे जनमत आणि लोकमत आहे, बाळासाहेब आंबेडकर आमच्या बरोबर असते तर हा विजय अधिक दैदिप्यमान झाला असता, म्हणजे मताधिक्य आमचं थोडं वाढलं असतं। याचा अर्थ असा नाही की आम्ही परावलंबी आहोत, पण या महाराष्ट्रातल्या शोषित वंचित पीडित जनतेला आमच्या बरोबर घ्यावं, पण ही जनता आमच्या बरोबरच आहे आणि